ये केव है यहाँ पे। यहाँ इसमें क्या से है? बहुत लोग चले कौन कौन? गए हैं लेकिन काशी जाने के लिए वापस नहीं लौटे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह 8 बजे जाने का प्लान हुआ था लेकिन अभी बज रहे हैं 8:47। सो कोई नहीं, थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई नहीं। एंड मेरे साथ जा रहा है अक्षय। तो अक्षय को मैं पिक करूँगा ऑन दी वे। वो अपने घर से उधर मिलेगा मुझे एक स्पॉट पे, मीटिंग स्पॉट पे। एंड यस, हमें अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड निकलते हैं। और हम किधर जा रहे हैं आप लोगों को तो मालूम पड़ गया अभी टाइटल देख के। यस तो फाइनली गाइस, आज मैंने यार बहुत लेट हो गया क्योंकि अक्षय पहुंच भी गया है और मेरा इधर से ही नहीं हुआ। एंड ग्लव्स पहन रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा हैबिट करना है इससे राइडिंग करने के लिए। तो यस, बोलो पक्का बाय बाय। मैं अच्छे से जाके आता हूँ। मास्क तो चेन स्प्रे भी कर दिया है मैंने क्योंकि इसकी वही प्रॉब्लम है ना। इनकोट नहीं लेंगे, बारिश नहीं आई गरीब बाबा। फ्यूल भी कम है, फ्यूल लगाना पड़ेगा। इतने था, जय श्री राम। सो यस गाइस, जैसे अच्छे से बात करेंगे, अभी फिलहाल तो यार मुझे लेट हुआ है और जल्दी से जाके अक्षय को मिलना है वरना यार मतलब एवरी टाइम मैं सबको वेट करता था फर्स्ट जाके, आज तो मेरा ही लेट हो गया। क्यों लेट हो गया कि मतलब यार बहुत काम थे मुझे थोड़े घर में। ये जो अभी मैंने अच्छे से पहला था बाइक को, दैट्स माय फेवरेट रनवे। हाँ सो यस, हियर ही इज अक्षय बॉय। सो हाय बोलो, हाय बोलो। तो मैं और अक्षय जा रहे हैं आज। तो किधर जा रहे हो तो आप लोगों को मालूम पड़ गया है टाइटल देख के। सो यस, सॉरी ब्रदर, लेट हो गया थोड़ा। अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पेट्रोल तो फुल हो चुका है। देखो ये देखने में बहुत ही मतलब खुशी मिलती है, और जो लास्ट में दिखा था एम्प्टी तब थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है। तो भाई अभी कोई सो वी ऑन द हाईवे नाउ। यस लेट्स गो। हाँ, पहली मोटर व्लॉगिंग है मेरी, लाइक थोड़ी अपने सिटी से बाहर जाने के लिए। सो एंजॉय, पता नहीं कैसा होगा व्लॉग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पूरा लैंडस्लाइड एंड माउंटेन को पूरा फोड़ दिया गया है रोड के लिए। देखो गाइस, दिस इज द अमेजिंग व्यू। पता नहीं आप लोगों को कैसा दिख रहा है, जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही आप लोगों को भी दिख रहा होगा क्योंकि गोप्रो है। अगर कोई नॉर्मल एक्शन कैमरा होता तो उतना जस्टिस नहीं करता है, लेकिन गोप्रो इज़ अमेजिंग विथ इट्स क्वालिटी। सो यस, मैं जल्दी से थोड़ा कवर कर लेता हूँ एंड देन सी यू गाइस।
देखो मतलब पूरा बारिश आ रही है। अरे यहाँ देखो हमारा बॉय तो हाँ भाई, ओ भाई तो कैमरा को इधर निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि अगर ये ऑटो प्रूफ नहीं है, मतलब ऑटो प्रूफ है लेकिन मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा कवर वगैरह कुछ पहना नहीं है, तो आई विल रिमूव द कैमरा और जब बारिश जाएगी तब मिलते हैं। तो भाई बोल रहा है कि इनके साथ चले जाते हैं, सगले लोग अगर रेनकोट असम रहे हैं, हम लोग तो रेनकोट भी लेके नहीं आए हैं, हम तो गाउटी है, तो हम लोग भी गए तो कोई नहीं, लेकिन कैमरा दिख जाए तो सीन हो जाएगा। तो वो जो दिख रहा है उधर उधर जाने वाले हम लोग, वही है गोकर्णा हाईवे। अभी इधर थोड़ा बारिश नहीं है तो बस आराम से हम लोग अभी शूट कर सकते हैं, नहीं तो यार पूरा बारिश ही मिल गया हम लोगों को ऑन द वे। 5 minutes later. So we have entered the Gokarna. This is Gokarna checkpoint. सो गाइस वी हैव रीच्ड गोकर्णा एंड ये देखो गोकर्णा के सड़कें भी देख लो आप लोग, कारार का मोटर व्लॉगिंग देख देख के बोर हो गए होंगे थोड़े लोग। तो उनके लिए ओए भाई तो मस्त अपने वाइब में चल रहा है, हेडफोन्स लगा के चिल। तो पहले हम जाएंगे मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है इधर का, एंड देन वी विल गो टू सम बीचेस। तो यार कुछ 1 hour का रास्ता था एंड 70 kilometers कुछ था, वो 1 hour भी नहीं, कुछ जल्दी पहुंच गए होंगे हम लोग, पता नहीं है सॉरी। दिस इज द टेम्पल विच वी आर गोइंग, तो इधर ही पार्क कर लेते हैं बाइक। बाइक लेके आए तो एक एडवांटेज है कि मतलब किधर भी पार्क कर सकते हैं आप लोग, एंड सीन है कि मतलब इस मंदिर में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो अपन जल्दी से दर्शन लेके बाद में मिलेंगे। ओके सो गाइस हमारा दर्शन हो चुका है दोनों मंदिर में, तो अभी चलते हैं कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा भूख लग रही है। सो एक छोटा सा ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोग ने, तो अभी चलते हैं, डेस्टिनेशन तो नहीं है, पूरा गोकर्णा घूम के जाएंगे आज। एक बीच है फेमस बीच, लेकिन इधर कुछ व्यू कुछ नहीं है, जस्ट बीच है और हम लोग कारवार के, बस बैठो रे भाई। हम लोग कारवार के हैं तो नो व्यू वाला बीच हमको इतना अच्छा नहीं लगता है, कि रोज़ बीच देख देख के बोर हो गए हम लोग। तो यही था वो मंदिर, दर्शन हो चुका है, आप लोग भी एक बार दर्शन कर लो भाई, आज श्रावण का सोमवार है, सोमवार मतलब मंडे है, सो लेट्स बूम। यार ऐसे सड़कों पे तो मस्त है कि स्कूटी चलाओ, ये देखो ये लोग अंकल, ओ अंकल जी अंचाना तो यार हमारे अक्षय को पूरा डेस्टिनेशन मतलब सारे व्यू और रास्ता भी मालूम है, एंड यस जिधर जिधर हम लोग जाएंगे उधर से आप थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एंड मतलब आप लोग अगर इधर आना चाहते हो तो
कुछ इजी हो सकता है आप लोगों को। कैसा रास्ता है रे, इतना बढ़िया टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा रास्ता कैसन है रे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुडले व्यू पॉइंट एंड इधर आप लोगों को मिलेगा सारे रिजॉर्ट्स। ये देखो रूम्स अवेलेबल, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं है, हम लोग आज ही रिटर्न जाने वाले हैं। रोड खत्म खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ये क्या हुआ कि यार, मतलब छोटा सा सांप आ गया टायर के नीचे, लेकिन टायर उसके ऊपर से चला नहीं, वो जल्दी से निकल गया, पतली गली से निकल गया वो। कोई नहीं। तो पहुंच गए हम लोग एंड इधर से एक व्यू पॉइंट है यार, अमेजिंग है, दिखाता आप लोगों को। कि इधर गिर गई तो वहाँ काम। सो यार ये है कुडले बीच एंड हम लोग आए हैं टॉप व्यू पे ताकि ये व्यू एंजॉय कर सके, और ना बीच के लिए जाने के लिए और दूसरा रास्ता है। सो यस, ये देखो हमको देख के वो भी रुक गया है व्यू एंजॉय करने के लिए। कोई नहीं। सो यार थैंक यू यार अक्षय, अगर मैं सोलो आता तो ये सब मुझे मालूम नहीं था। इधर से हम लोग को मिलता है ओम बीच, सारे बीच 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 यो, एंड आई थिंक टुडेस व्लॉग इज गोना बी अ गुड वन। ये देखो यार कैसा व्यू है, जस्ट एंजॉय द वाइब। हाँ मुझे मालूम है कैमरा जस्टिस नहीं करता है एंड मेरा तो यार गोप्रो एंड फोन, लेकिन कोई नहीं, इतना तो दिखा सकता मैं आप लोगों को। जस्ट एंजॉय, देखो व्यूज कैसे आ रहे हैं, और उधर एक देखो मिडल में एक स्टोन है, इट्स लाइक अ स्मॉल आइलैंड देयर। सही है, एंड आप लोगों को उधर वो दिख रहा है, वो सारे रिजॉर्ट्स हैं उधर जो दिख रहा है, एंड यस मस्त है एकदम। जितने लोगों को गोकर्ण आना है यू कैन प्लान, हम तो स्टे करने वाले नहीं हैं, लेकिन यस इवनिंग जाएंगे हम लोग, क्योंकि यार हम लोग 70 किलोमीटर्स है तो स्टे करके क्या फ़ायदा यार, एंड आराम से अगर नाइट में इधर से छूटेंगे तो भी पहुँच सकते हैं हम लोग। सो यस लेट्स गो, एंड और एक हमारा अक्षय का फ्रेंड भी अभी हम लोग को ज्वाइन होगा क्योंकि वो इधर का ही है गोकर्ण। सो यस जस्ट वेट फॉर द व्यू यार, यस यस एंड सब्सक्राइब करो यार जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। नहीं यार अक्षय करना चाहिए यार। तो यार जैसे मैंने बोला था कि अक्षय का एक फ्रेंड मिलने वाला है, तो हियर ही इज विथ इज डोमिनार, उसको मतलब इज अ लोकल गाय फ्रॉम कोकरणा, तो उसको सारे स्पॉट्स मालूम है, तो अभी मज़ा आएगा ना वीडियो।